लोगों से अनुरोध है कि महिला मंडल को पहले जीतने दें, बाद में आप भोजन का लुत्फ उठाए। लेडीज फर्स्ट। ये चौथा क्वार्टर फाइनल मैच है। बॉलर निखिल डांगी, काफी बढ़िया मैच हुए पूरे दिन भर में यहाँ पर। और पावर प्ले, फर्स्ट ओवर पावर प्ले, चौथा क्वार्टर फाइनल। स्टंप को पानी पिलाते हुए दोनों बैट्समैन का नाम लेते हैं। शोके जी बड़ाला का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपील कोठारी, आप भी बहुत जानी मानी हस्ती हैं यहाँ पर डोंबिवली की। पांच मिनट के लिए सभी से अनुरोध है, रुके पीछे, भोजन में बहुत भीड़ लग रही है। पांच मिनट सभी महिला मंडल से अनुरोध है, पांच मिनट रुके, पहले इनिंग देखिए फिर आप भोजन करिए। एक रन डिक्लेयर, काफी बढ़िया गेंदबाजी निखिल डांगी द्वारा। चौथा क्वार्टर फाइनल आज का, चॉइस एल्युमिनियम वर्सेस सिंगल रेंजर्स। काफी रोमांचक मैच होने की उम्मीद, दोनों टीमें उत्साह से लेवरेज, फुली लोडेड गन्स, फुली लोडेड गन्स। सभी महिला मंडल से अनुरोध है कृपया 10 मिनट 15 मिनट इंतजार कीजिए, भोजन का लुत्फ उठाने के लिए 15 मिनट वेट कीजिए आप। भोजन से हमें बहुत भर दिया और अगले दिन काफी बढ़िया शॉट, उतनी बढ़िया फील्डिंग, दौड़कर एक रन पूरा किया। स्पिन चली, हर्षद कोठारी जहां कहीं भी हो पवेलियन में बता रहे। हेलो, स्क्रीन से निवेदन है कृपया 5 मिनट के लिए यहां बैठ जाए, खाने के यहां पर हो चुका है। वाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। 5 मिनट हर्षद कोठारी आ रहा है भैया, स्थिरता बनाए रखे, हम आगे आपको बहुत स्थिरता बनाए रखे। डॉट बॉल महिला मंडल से निवेदन, कृपया यही पास में बैठे, आगे जरूर वहाँ पर स्पेस होगा, आपको निवेदन कर दिया जाएगा। आरटी चंदेली आज काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, वनडी ले रहे हैं और जहाँ जरूरत पड़े टीम को वहाँ पर काफी बड़े शॉट भी खेलते हैं। सिक्स भी लगाए हैं इतिहास में इन्होंने। अरे सुनो महिला मैच को पास में मैच देखो, हर्षद जी कोठारी आ चुके हैं, आपको स्क्रीन पर स्कोर दिखेगा एक मिनट के बाद। स्कोर नहीं दिख रहा स्क्रीन पर। पांच गेंद 6 रन और ये चिक्की 1 रन, स्कोर 1 ओवर की समाप्ति पर 7 रन। ये चिक्की तो मगनलाल वाली चिक्की दिख रही थी, काफी अनुभवी बल्लेबाज है देवेंद्र जी। टीम के कप्तान विवेक इंटोदिया काफी रणनीति बनाते हुए, सेमीफाइनल खेलना है उनको आगे। रवीश, अगला ओवर लेकर हिमांशु सेठिया और सामने है कपिल कोठारी। 365 दिन खेलने वाले खिलाड़ी हैं दोनों, नेहरू ग्राउंड के हीरो दोनों। बड़ी पहली गेंद और ये काफी बढ़िया शॉट, उतनी बढ़िया फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर, दौड़कर एक रन पूरा किया। दिनेश आपने देखा बैकअप कितना अच्छा है खिलाड़ियों का, बैकअप काफी जोरदार, इनसे कुछ सीखना चाहिए भैसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब नए नए खिलाड़ी हैं लेकिन बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हैं। और ये और यहाँ पर कैश रन पर का दौड़कर दो रन पूरे किए, ये रन है या नहीं है अभी अंपायर बताएंगे हमें। बैट्समैन बोल रहे हैं कि बॉल बेट पे लगी है, कलाई पे लगी, कलाई पे सब काफी इनके मुंह में काफी सामान भरा हुआ है और जब तक ये मैच खेलते हैं इनके लिए जरूरी है।
इनका नाम है देवाबा दिल लगी नहीं। दो रनों का हिसाब यहाँ दो रन स्कोर में दो रनों का इजाफा स्कोर नौ रन स्कोर नौ रन। और यहाँ पर काफी शानदार शॉट और यहाँ पर देखिए कपिल कोठारी दो रन भाग गए और ये दो रन पूरे किए शानदार रन काफी बढ़िया रनिंग थी फील्डर विकेट। स्कोर बढ़ते हुए 10 रन। दो रन वाइट बॉल प्लस एक रन स्कोर में दो रनों का और इजाफा स्कोर बढ़ते हुए 14 रन। स्क्रीन पे स्कोर बराबर नहीं दिख रहा स्कोर आपको ओवर की समाप्ति के बाद बताया जाएगा। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर कपिल कोठारी की स्कोर बढ़ते हुए स्कोर हर ओवर की समाप्ति के बाद आपको बताया जाएगा। चलो दो ओवर की समाप्ति तक दो ओवर समाप्त नहीं हुआ ना भे पांच बॉल स्क्रीन पे चेंज करें और यहाँ पर गेंद समझ नहीं पाया डापा चुक हुए और क्लीन बॉल और उनका बॉडी अभी से बन गया देवबा को समझ नहीं पाया क्या हो रहा है यहाँ पर। अगले बल्लेबाज दीपक बापना काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं तेज तर्रार खिलाड़ी है दीपक बापना। अशोक जी भाई साहब ये दारोमदार दोनों प्लेयर के ऊपर है पूरा जब तक ये दोनों है टीम का स्कोर मुझे लगता हमारे भी इसमें आबादी परिवार से हमारे डोंबिवली के और हमारे अपने नारले और हमारे हमको संभालते हैं आज तक संभालते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं नरेश जी सब लोग जिनका हम पूरे अहम ग्रुप की तरफ से पूरे डोंबिवली समाज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आप यहाँ पर समय निकाल कर इतने दूर से यहाँ पर पधारे आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत। इसी तरह आपका हमें साथ हमें मिलता रहेगा आगे भी मिलता रहेगा और पहले भी मिलता आ रहा था तो हम संपूर्ण ये अरब ग्रुप की तरफ से आपका स्वागत करते हैं और मैं निवेदन करता हूँ मेरे जी भाई साहब से वाइट प्लस दो शब्दों के साथ में वन स्कोर में दो रनों का इजाफा स्कोर 30 ओवर जारी है स्कोर 19 रन। सादर जय दिनेंद्र अहम क्रिकेट का ये 19 वर्ष जो बीते हैं और 25 वर्ष रजत जयंती की तरफ बढ़ रहे हैं एक बड़ा लंबा इतिहास बना है और मैं सभी यहाँ के युवाओं को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 19 वर्ष तक एक प्रतियोगिता को निरंतर बनाए रखा और मुझे आज ये पक्के याद आ रही है कि न जीत में न हार में किंचित नहीं भाई बीत में कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ड्यूटी और अपने कर्तव्य पर डटे रहें जीत और हार तो जिंदगी के लम्हे चलते रहते हैं और आपकी क्रिकेट से मैं काफ़ी हम भी उत्साहित हैं और आज मैं शायद ये भी मैं तीसरी बार अटेंड कर रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे आबादी के सहमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी की तरफ से भी मैं आप सभी को शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और डब्ल्यूडब्ल्यूई की टीम काफ़ी अच्छा काम करती है और आने वाले जो अभी इस कार्यकाल का जो भी 6-7 महीने बचे हैं हम चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर और कुछ एक बड़ा करेंगे एक नया सपना देखेंगे। गुरुदेव जब मुंबई 2023 में बना रहे हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी तरफ से हमेशा कुछ नया करती है और हम आप सबके साथ मिलकर नया करेंगे। ओम आराम बहुत बहुत धन्यवाद और टू दिनेश जी कॉमेंट्री के लिए दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। स्कोर 23 रन। काफी बढ़िया गेंद डॉट बॉल 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 23 रन। पावर प्ले फोर्थ ओवर पावर प्ले इस ओवर में थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए कुछ चौके छक्के लगाकर क्या लगता है अशोक जी आपको कितना स्कोर होगा इस ओवर में? इस ओवर में 8-10 रन। यहाँ पर दीपक बापना स्ट्राइक पर है ये कुछ भी कर सकते हैं इनके पास काफी पावर है
और इन्होंने कितने मैच अपने बलबूते पर जिताए हुए हैं। पावर प्ले ओवर, फोर्थ ओवर पावर प्ले। और सामने गेंदबाज भी था, गेंदबाज है संजय परमार। उन्हें आप कमतर ना आकर ओवर की पहली गेंद संजय परमार द्वारा और शानदार प्लेसमेंट एक रन के लिए। एक रन डिक्लेयर। हिमांशु भाई सबका ध्यान रखें, तोड़फोड़ ना करें। हाँ, तोड़फोड़ वर्जित है। अगली गेंद संजय परमार, दीपक बाफना को शानदार शॉट, उतनी शानदार खेल। दिनेश जी उभरते हुए सितारे क्या फील्डिंग कर रहे हैं, देखिए आप। शानदार फील्डिंग। महिला मंडल लेडीज से सभी से अनुरोध है, लेडीज कृपया भोजन कक्ष में ना पधारे, पीछे काफी भीड़ लग रही है, आपसे अनुरोध है एक इनिंग रुके, मैच का लुप उठाए फिर पधारे। पीछे बहुत भीड़ लग रही है, आपसे अनुरोध है अपना सीट ग्रहण करें। दूसरा विकेट का पतन हो चुका है, 26 ओवर दो विकेट के नुकसान पर। हमारे बीच में तुलसी मेडिकल से रवा शंकर जी पधार चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप हमें हमेशा से आपका साथ मिलता है, और जो हमें पानी का जो काउंटर है लगता है, और आपका लाइटन बोला हुआ है कि वो मेरी तरफ से हमेशा रहेगा, तो आपका संपूर्ण हरम दूर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। पावर प्ले की आखिरी बॉल बाकी है, देखते हैं विवेक इंडोदिया क्या कर पाते हैं। स्कोर 28 रन दो विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद थोड़ा सा मनोरंजन, एक चौका एक छक्का। सुरेश जी पावर प्ले की आखिरी गेंद, विवेक इंडोदिया क्या कर पाते हैं टीम के कप्तान। अभी तक ये ओवर काफी अच्छा ओवर गया संजय परमार द्वारा, काफी बढ़िया गेंदबाजी, उतनी बढ़िया फील्डिंग ललित जी पुनिया द्वारा। 29 रन दो विकेट के नुकसान पर। चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर 29 द लॉस ऑफ टू विकेट। आखिरी क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है, ये 24 एल्यूमिनियम और सिंगल रेंजर्स के बीच काफी संतुलित स्थिति। ओ भाई ओ दोस्त जल्दी सर। और आखिरी ओवर पहली गेंद एक रन। अशोक जी आपको बता दिया जाए ये पांचवा ओवर चालू है। बिल्कुल बिल्कुल, स्कोर हो चुका 30 रन। बॉलर का नाम स्कोर, अशोक जी आपसे अनुरोध है स्कोर हमेशा ओवर के लास्ट में बताया जाए। काफी बढ़िया क्षेत्र रक्षण, मगर दो रन से नहीं रोक पाए, काफी बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर आज कपिल भाई द्वारा। शानदार प्लेसमेंट, बाउंड्री बनी है, कपिल पहले से जमे हुए हैं, पांचवें ओवर तक जमे हुए हैं, हमें पूरी जिम्मेदारी संभालते हुए वो तो मारते आए। तो साहिल काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर काफी दम लगाया, मगर बॉल बराबर बेस पे लगी नहीं और मात्र एक रन दौड़ कर एक रन पूरा किया। और यहाँ पर उठाकर मार दिया है, मगर निखिल भाई बॉल छोड़ने वाले नहीं है, जो भी नया बेस्ट बनाएगा ऑन स्ट्राइक। अगले हर क्रिकेट का पतन इस बार अशोक जी ये भी थोड़ा रूल्स चेंज किया है, हर साल की तरह इस बार ये भी रूल्स चेंज किया है कि जो भी नया बैट्समैन आएगा वो स्ट्राइक पर आएगा और रनआउट जिधर होगा उधर नया बैट्समैन आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, काफी बढ़िया गेंदबाजी साहिल द्वारा। इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी है,
लेकिन स्कोर ओवर की समाप्ति के बाद बताएं। स्क्रीन चालू है, लगभग लगभग सब देख रहे हैं। बाकी ओवर समाप्ति के बाद और यहां पर बैट्समैन फिर डाबा चुक हुए और अपना विकेट गवा बैठे। पांच ओवर की समाप्ति पर स्कोर 34 रन। आखिरी ओवर, आखिरी छह गेंदे, देखना है अशोक जी क्या हो पाता है यहाँ पर। छह गेंदे में 10 रन, क्या टारगेट है अशोक जी आपका? बयालीस रन, काफी टफ होता है यहाँ पर इस ग्राउंड पर। हाँ, 45 भी ठीक है। बॉलर नेम ललित जी पुनमिया, ये खिवाड़ा एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है। इनकी गेंदों की स्पीड बहुत ही तेज है। पहली बैंड बॉल, पहली बॉल। स्कोर में एक रन का और इजाफा, स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। आखिरी छह गेंदे इस इनिंग की और कपिल भाई पूरे जम चुके हैं, मगर संजू भाई की जंगा थ्रो और दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए यहाँ पर। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर भावेश मेहता द्वारा। अगली गेंद के साथ अमित पुनिया और कपिल जुड़े हुए अब तक। और यहाँ पर सीधे पाव पर दे मारी डॉट बॉल, स्कोर 36 रन पर अटका हुआ अभी तक। आखिरी चार गेंदे इस इनिंग की, कुछ चमत्कार की अपेक्षा कपिल से। और यहाँ पर संजू भाई ने काफी बढ़िया कैच लपका और कपिल भाई ने अपना विकेट गवाया। न्यू बैट्समैन ऑन स्ट्राइक, रूल्स काफी अच्छा बनाया गया है इस बार। मात्र 3 गेंदे शेष, काफी बढ़िया ओवर बीता हुआ अशोक जी ललित जी भाई साहब का। 36 रन पर अटक गया स्कोर। और यहाँ पर ललित जी भाई साहब के आजू बाजू में बॉल घूम रही थी और यहाँ पर अंपायर का क्या इशारा है? अंपायर डिसीजन, लाइव डिसीजन, कोई भी अपना फैसला बाहर से ना सुनाए और ये अंपायर आउट करार दिया है। काफी बढ़िया अंपायरिंग यहाँ पर राकेश जी परमार और भरत जी कोठारी से। क्वार्टर फाइनल में दिनेश जी विकेटों का पतझड़ सा लग गया, बारिश हो रही है विकेटों की। ये भाई साहब आपने जब से बोले खिलाड़ी एक्सप्रेस रन ही नहीं बन रहे। आखिरी 2 गेंदे, आखिरी 2 गेंदे इस इनिंग की, देखना है भावेश मेहता क्या कर पाते हैं। और दौड़कर 1 रन पूरा किया भावेश, दूसरा रन चुराना चाहते थे मगर बाउंड्री लाइन पर आखिरी गेंद काफी बढ़िया क्षेत्र रक्षक, 36 स्कोर हिला 37 तक पहुंचा। अशोक जी भाई साहब लास्ट ओवर ने पूरा मैच ही पलट दिया आज का। देखो ना आखिरी ओवर पूरा पलट दिया, कुछ रन ही नहीं आए और आखिरी गेंद इस इनिंग की और यहाँ पर एक रन डिक्लेयर, स्कोर 38। जीतने के लिए 39 रनों की आवश्यकता। हमारे प्रवीण जी गुंडेजा ने 4 रन दे दिया मगर 2 ही रन आए। आप भी फेल हो गए, कोई बात नहीं।
बॉल डॉट बॉल जीतू भाई साहब आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। शानदार फील्डिंग, काफी बढ़िया गेंदबाजी, उतना ही अच्छा क्षेत्र रक्षण, पावर प्ले ओवर चल रहा है। कृपया कृपया कमेंट्री बॉक्स से को आने से थोड़ा सा जगह मिलेगा तो स्कोरिंग करने में सावधानी मिलेगी। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग, चार गेंद में मात्र एक रन, बहुत अच्छा ओवर जा रहा है। और यहाँ पर देखिए आज कपिल भाई का दिन चल रहा है और यहाँ पर प्रेशर बनाया पहले विवेक ने और फिर संजू भाई अपना आत्मविश्वास खो बैठे और तेज दे बैठे कपिल भाई को। संजू भाई की बलि ले ली, काफी बढ़िया गेंदबाजी, उतनी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर कपिल भाई द्वारा। पांच गेंदें हो चुकी, मात्र एक रन एक विकेट के नुकसान पर। कपिल भाई दो तीन साल से दूधे रोशनी में खेल रहे हैं, सुबह में 5 बजे खेलने चले जाते हैं कपिल भाई। आराम से इस ओवर में 5 गेंदों में 1 रन और 1 विकेट और मैन प्लेसमेंट। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी बढ़िया गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति। इधर आके खड़े हो जाओ, इधर आके खड़े हो जाओ सर, कैसा कैसा लगा भाई साहब, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। सरकार जी भाई साहब दूसरे ओवर की पहली है, 30 गेंदों में जीतने के लिए 38 रनों की आवश्यकता। काफी अच्छी गेंद, मैं समझ नहीं पाए फिर भी 1 रन प्राप्त हो गया। द्वितीय रोशनी में शानदार मैच का आयोजन, शानदार टूर्नामेंट का आयोजन, सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार। पूरा दारोमदार अशोक जी साहिल के ऊपर है, देख रहे हैं शानदार कट। वन डी डिक्लेयर, लेडीज लोगों से महिला मंडल से अनुरोध है भोजन करने पधारे। जो मैंने आपको कहा था साहिल के कंधों पर पूरा दारोमदार है, मगर भावेश ने यहाँ पर बीच में महिला मंडल जिमने के लिए बताया, महिला मंडल जीवन आपका इंतजार कर रहा है। काफी शानदार कर, भावेश को काफी शानदार कर। काफी अच्छी गेंदबाजी और यहाँ पर काफी बढ़िया कट, उतनी बढ़िया कीपिंग देवेंद्र चंडालिया द्वारा। इधर से आने जा रही थी, उधर से इतना बड़ा। और देखिए भावेश और द्वारा शानदार फील्डिंग, पूरा 3 ओवर के लिए स्कोर आगे बढ़ते हुए 5 रन, दूसरे ओवर की मात्र 1 गेंद बाकी है। काफी बढ़िया शॉट, उतनी बढ़िया फील्डिंग कप्तान विवेक इंटोदिया द्वारा। दिनेश जी आपको नहीं लगता है बॉलिंग वाली टीम काफी चार्जअप हो गई है, उनका उत्साह सातवें आसमान पर है। अशोक जी एक मैच पूरे एक ओवर पूरे मैच की दशा बदल देता है, दशा और दिशा पूरी चेंज हो गई है। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर 6 रन 2 विकेट पर। जीतने के लिए 24 गेंदों में 34 रनों की आवश्यकता। दूसरा ओवर समाप्त, 2 विकेट जा चुके हैं, 6 रन। इस ओवर में अशोक जी कुछ ना कुछ होगा बिल्कुल, और 1 रन मिला। जहाँ जहाँ बॉल चली जाती है भावेश वहाँ पहुँच जाते हैं अशोक जी। हाँ, बॉल से उनका पुराना नाता है। 1 रन मिला, 7 रन 2 विकेट 2 ओवर 1 बॉल। अच्छी गेंद, फिर डॉट बॉल, जैसे जैसे डॉट बॉल आएगी प्रेशर बैटिंग टीम पर बढ़ जाएगा, थोड़ी बहुत भारी पड़ सकती है डॉट बॉल। एक और मार मार, बहुत अच्छी फील्डिंग द्वारा।
काफी शानदार टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। अनिल जी चंदलिया भाई साहब आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। काफी बढ़िया शॉट, उतने ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर हमारे कपिल भाई जो इस मैच में आज उत्साह से लवरेज हो गए हैं, नई ऊर्जा आ गई इनमें। आज भावेश मेहता पूरे चार्ज होकर आए हैं और देखते हैं अशोक जी क्या होता है। आज लगता है अश्वगंधा खाकर आए हैं। इनका जो साथी आसमान पर है चपलोत साहब आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। देवेंद्र जी की अगली गेंद एक रन, एक रन डिक्लेयर, ओवर की समाप्ति। तीन ओवर में जीतने के लिए 30 रनों की आवश्यकता। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले ओवर, फोर्थ प्ले, फोर्थ ओवर पावर प्ले जो लेकर आ रहे हैं दीपक बापरा। अगला विनोद जी से निवेदन, थोड़ी सी कॉमेंट्री के साथ में हमारे सामने विनोद जी सिंह से निवेदन है, वो कॉमेंट्री पेश करेंगे और उसके साथ अपने अनुभव भी पेश करेंगे। विनोद जी सिंह मुझे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आराध्य देव की सूचना में सभी वंदना, उपस्थित संपूर्ण जैन समाज, अरुण ग्रुप के सभी साथीगण और सभी उपस्थित हमारे मित्रगण सभी को स्वागत है। जयेंद्र, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि ये अरुण क्रिकेट टूर्नामेंट का 19वां एडिशन है और निरंतर इस खेल में हम देख रहे हैं कि निरंतर नवीनता, हर साल इसमें नवीनता जोड़ी जा रही है। मैं पिछला अनुभव आपको बताऊं कि ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट जब सबसे पहले शुरू किया गया था, तेरा प्रतियोग परिषद डोम्बिवली द्वारा ये आयोजित किया जाता था, इसी कारणवश उसके बाद आरम ग्रुप इसको आयोजित करने लगा। हमारा मुख्य मकसद यही था कि हमारी किशोर मंडल और हमारा युवक मंडल जो युवक परिषद है वो हमारी इस मुख्य धारा में जुड़े और हमारे साथ उनका समन्वय स्थापित हो और हमारा संगठन मजबूत हो। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम शत प्रतिशत अपने संगठन को मजबूत करने में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मैं संपूर्ण समाज के साथ साथ सभी अरम ग्रुप के जो पुराने भी जो हमारे कार्यकर्ता थे और नए भी सभी को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत हार्दिक उनको शुभकामनाएं देता हूं। निरंतर आप इस तरह से अपना संगठन इस खेल के माध्यम से जोड़े और साथ में साथ आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में भी आप अपना सहयोग निरंतर प्रदान करें, यही हमारी मुख्य मकसद और यही हमारी हमारा विश्वास है कि आप इसमें निरंतर जुड़ते रहेंगे पुनः। और जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि इसका उत्साह इतना बढ़ रहा है कि निरंतर मैं आसाता रहने करूँ, जैसे कि गुरुदेव चातुर्मास वर्मा थे 30, 24, 25, 26 वैसे हमको प्रायोजन मिलते जा रहे हैं निरंतर और यहाँ पर डिस्कशन होता और प्रायोजन ऐसे होड़ लगी हुई है कि यहाँ पर कौन प्रायोजक जल्द से जल्द बनना चाहता है। इस आयोजन की मुख्य सफलता हम कह सकते हैं। पुनः एक बार पूरे अरम ग्रुप का, पूरे अपन समाज और पूरे जैन समाज का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक आभार और महान धन्यवाद। इन्हें जी कमेंट्री कंटिन्यू रखी, आपका अपना मैं किस लिया गया है विनोद जी। ये चौथा क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा है, आपको बता दूं मैं। जैसा कि मैच हम देख रहे हैं कि विनोद जी स्लो 28 रनों की आवश्यकता है, स्लो चल रहा है लेकिन बड़े ही उत्साह के साथ दोनों टीम जुड़ी हुई है कि किस तरह से हम इस मैच को जीते और आगे सेमीफाइनल में हम पहुंचे। मुश्किल टारगेट है, छोटे समय की आवश्यकता
उसको सिर्फ इतना बोलना ना कि शटर नीचे लेके दे दे तो दोनों ताला लगा के अपने घर पे चाबी लेके जाए। और ये शानदार फील्डिंग और एक विकेट का पता दुकान पे। मुझे क्या कहेंगे आप घर पे चाबी दे, जैसे कि हम जो फील्डिंग सर है बहुत ही अच्छी फील्डिंग का उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया। उनका स्कोर कम था लेकिन उन्होंने इसकी भरपाई इस फील्डिंग के माध्यम से की है। और जैसे कि कहते हैं कि कैचेस मिस तो मैचेस बिल्कुल होगी, यहाँ पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आपने कोई चीज आपने कमजोर कर दी तो उसकी भरपाई आप किस तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और उन्होंने छोटे स्कोर भी अच्छे से डिफेंड किया है। और जैसे कि सीबी जो टीम है वो तो पहले से थोड़ी सी स्लो खेले और अलाउड हो गई। क्या है अलाउड हो गई टीम 15 रन पे अलाउड हो गई। टीम 15 रन पे अलाउड शायद सबसे छोटा स्कोर होगा। कल एक इंटरनेशनल लेवल पर भी सुना था 15 रन का अलाउड और आज यहाँ पे भी दिख गया। विनोद जी कल 10 विकेट गिरे थे 15 रन में। यस यस सिडनी थंडर्स ऑस्ट्रेलिया में शानदार विजय शानदार विजय। चारों क्वार्टर फाइनल हो चुके हैं अब सेमीफाइनल खेले जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लिया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक है गाड़ी के इधर जा नहीं पाएगा सर।